सिंगरौली जिले के पेट्रोल पंप संचालक उपभोक्ताओं को किस प्रकार से लूट रहे हैं उसका नजारा ओम साई चंद्रा फिलिंग स्टेशन निगरी में देखने को मिला, जहां एक लीटर पेट्रोल में 90% पानी व 10% पेट्रोल उपभोक्ताओं को मिल रहा है। ओम साई चंद्रा फिलिंग स्टेशन निगरी में मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने स्थानीय युवा पहुंचे, जहां एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराया। कुछ देर बाद उसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई। उसने आसपास के लोगों को बताया। उसी के बाद दूसरे उपभोक्ता ने बाटल में एक लीटर पेट्रोल लिया, जिसमें बाटल के ऊपर पेट्रोल दिख रहा था, बाकी 90% पानी था। इसके पश्चात उपभोक्ताओं ने हंगामा कर दिया। हंगामे के बाद निगरी पुलिस चौकी में शिकायत की गई। शिकायत के बाद पेट्रोल पंप में जांच करने के लिए निगरी व निवास चौकी की पुलिस पहुंची व पेट्रोल का सैंपल लेते हुए निगरी चौकी प्रभारी रूपा अग्निहोत्री ने बताया कि SDM सर के संज्ञान में यह बात लाई जा चुकी है। SDM विकास सिंह ने फूड इंस्पेक्टर के द्वारा जाँच कराए जाने की बात की है। चौकी प्रभारी रूपा अग्निहोत्री ने बताया कि आरोप सिद्ध होने पर पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सूत्रों के हवालों से खबर है कि बीके शुक्ला जब से सिंगरौली जिले के आपूर्ति अधिकारी बनाए गए हैं, तभी से कुछ ज़्यादा ही इस तरह की गड़बड़ियां पेट्रोल पंप संचालक के द्वारा की जा रही हैं। इसके बाद भी आपूर्ति अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही, कहीं ना कहीं इनकी भी सहभागिता तो नहीं, कहीं आपूर्ति अधिकारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पेट्रोल पंप संचालकों से उपकृत तो नहीं हो रहे। पैसा फुकुर से आता है। ₹100 का डलाए थे तो उसमें छुट्टा पानी निकला। कहाँ आपको कैसे पता चला इसमें पानी है? तो हम जैसे डला के खड़ा किए गाड़ी, ये कि यादव लड़का आया, वो बोलता है मेरा गाड़ी वहाँ तक गए चालू ही नहीं हो रहा है। वो डब्बे में वापस लाया, हम बोले कि हमारे सामने लीटर निकालो, निकाला तो उसमें पूरा वायर दिख रहा है। वो आप उसके बाद में नोजल से चालू करवाया तो नोजल से भी छुट्टा पानी निकल रहा है। उसके बाद में बंद कर दिए। अच्छा, ये जो डिब्बे में रखा हुआ ये यही यही तेल है? जी सर। इस तरीके का तेल यहाँ है? जी, ये तो पहले वाला है। इससे बात अपने चौकी में तो उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? ओम साई चंद्रा पेट्रोल पंप निगरी का जो मैटर आया है वो मेरे संज्ञान में आया है। मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया है कि जो भी क्षेत्रीय लोग थे उनके द्वारा ये बताया गया कि ये लोग पेट्रोल और डीजल में पानी मिलाकर के बेच रहे हैं, जिसके सैंपल के तौर पर वो लोग ही बॉटल में 2-3 बॉटल में लेकर आए हुए हैं। उनको मैंने रखवा लिया है और SDM सर से मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि वो अपने फूड इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं, सैंपलिंग लेकर जांच की जाएगी। जांच के बाद जो भी रिजल्ट आएंगे उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अपने जो यहाँ से टीम गई थी वहाँ पर देखने के लिए, वो टीम अपने हाथ से खुद डिब्बे में निकलवा के लाए? हाँ, मेरा एक आरक्षक गया हुआ था, उसने भी बताया कि ये मेरे सामने ही निकाला गया है। तो वो सारी सैंपलिंग जो भी है बॉटल में है रखवाया गया है। SDM सर जो अभी अपनी टीम भेजेंगे फूड इंस्पेक्टर, उनके द्वारा सैंपलिंग कर जाँच के लिए भेजा जाएगा और जाँच में जो भी चीज़ें आएंगी वो सब फिर आप लोगों को अवगत करा दी जाएंगी। और अगर जैसा कि शिकायतें मिल रही हैं वो अगर शिकायत पर सत्यता पाई गई तो फिर वैधानिक कार्रवाई।